किसी दोस्त की रिक्वेस्ट आई है कि असी उन्होंने छोले भटूरे बना के दिखाइए, सो अज असी पेश कर रहे हैं छोले भटूरे की रेसिपी। भटूरे लिए अपन चाहिए 4 कप मैदा, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 कप दही, 2 टेबलस्पून कोई भी कुकिंग ऑयल, तो पानी लोड़ अनुसार। सो इन्हां सारी चीज़ां पहले सुकियां चीज़ां आप सारियां मैदे में मिक्स करांगे ताकि चंगी तरह मिक्स हो जाए। सो पहला पाया आप बेकिंग सोडा, सॉल्ट, शुगर, अजवाइन, मिक्स कर लो इनू ताकि सारे आटे में फ्लेवर जाए हर एक चीज़ का। सो हूँ आप ऐड करांगे दही, सारी ड्राई चीज़ा चंगी तरह मिक्स करके हूँ आप पाउणा दही, ते कुकिंग ऑयल, ते हूँ इनू आप आटे वांगू पानी नाल गुन लेना। सो आटा गुन के आप रेडी कर लिया, ये उपर आपने हूँ पाना थोड़ा जा कुकिंग ऑयल, तो कुकिंग उपर ला के इनू 1 घंटे लिए उपर कपड़ा पा के 1 घंटे लिए आप रख देना। जो तुहानू आटा नहीं गुनना आता तो तुसीं भटूरे दा पंगा ही ना लो। जब तक साडा भटूरे दा आटा तैयार हो रहा है तो असीं छोलों की प्रैप कर रहे हैं, सो इस करके आप यूज कर रहे हैं 2 कैंड चिट्टे छोले। कैन इस करके कर रहे हैं टाइम सेव करने वास्ते, पर वैसे तुसी सुके छोले भी यूज कर सकते हो जिहड़े तुसी ओवरनाइट भिओ के रख सकते हो। सो बाकी सारा जनरल तड़का समान, ये हैगा एक मीडियम प्याज, 4 टमाटर, हैगा जिंजर, ग्रीन पेपर, ते लसन, ते बाकी आ हथियार ते हर एक देसी दे घर हुंदा ही आ मसाले वाले। सो तड़के लिए पहला आपां बणा जीरा, ते जिहड़े प्याज कट्टे सी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हम आप भुनना। सो अपने प्याज भुन, प्याज अदरक लहसुन जो आप पाया से रेडी हो गया, भुन हो गए, हम आप पाने टमाटर जो आप 4 टमाटर कट के रखे, हम थोड़े टाइम लिए होर भुनना, लाइक 2-3 मिनट लिए। सो टमाटर पा के आप 2 मिनट तक ऑलरेडी भुन चुके हैं, हूँ आप पाना 1 चम्मच गर्म मसाला, 1 चम्मच सॉल्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पेपर। ये सारिया चीज़ें तुसी उपर नीचे भी कर सकते हो अपने स्वाद अनुसार, वध घट भी पा सकते हो। तो हुण अपन होर भुनना थोड़ी देर लई। तो मसाला अपना रेडी हो गया, तो मसाला चंगी तरह भुनना, जे अपन नहीं चंगी तरह भुनेंगे जो टमाटर है वो कच्चे कच्चे का स्वाद आऊगा, तो टमाटर बिल्कुल दिखना बंद हो गया, तो मतलब अपना टमाटर अभी मसाला रेडी है, भुज हो गया सारा। हुण आप इहदे विच ऐड करांगे छोले, ते नाल 4 कप पानी। हुण तुसीं इहनू बिना ढक्कन तो 20 मिनट इहनू रन्नन दो, क्योंकि जिहड़ी तरी आ बिल्कुल संघनी हो जाए। तो छोलियां दी शक्ल 20 मिनट बाद कुछ इदां दी आ, ते इहदे विच तुसीं हुण आपां पावांगे सुक्की मेथी, ते एक मेरा एक होर फेवरेट स्टेप हैगा ऑप्शनल, तुसी चाहुंदे हो ते थोड़ा दुध भी पा सकते हो जिदा कि 1/2 कप, ते उहदे नाल ये होर क्रीमी बन जाणगे। लो जी छोले अपने बन गए, इहनूं देखण नूं बड़े स्वाद लग रहे हैं। हाँ, घंटे के बाद अपना आटा रेडी है, फुल के एवें सॉफ्ट हो गया, ते हुण आपां इहदे च पेड़ा लैके जिवें आपां रोटी बनाउणी आ गोल गोल, रोटी नालों थोड़ा जिहा मोटा रखणा, ते तेल भी बिल्कुल रेडी है।
एकदम गर्म हो चुके हैं हमने इधर भटूरा पौने तेन थोड़ा जहा हिला के फैलाओ फ्लिप करो जी साढ़े छोले भटूरे रेडी होप तुम सारू वगे होने थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू लाइफ।